चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पुलिस वालों पर यह इल्जाम भी है कड़क सिंह जी कि आप लोग मुजरिमों से पूछताछ करने के लिए थर्ड डिग्री का इस्तेमाल भी करते हैं, बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं उनको। ओहो, तो बहन जी आप ही बताइए कि हमें कैसे पूछताछ करनी चाहिए। क्यों, क्या मारपीट ही रास्ता है सवाल पूछने का? दिस इज रियली वेरी बैड, यू नो। बैड बैड, तो गुड क्या? मुजरिमों को पकड़ के प्यार से सहलाते हुए उनको थाने में लाना चाहिए और कहना चाहिए, लो भाई ये हार है आपके लिए, आपका स्वागत है। उसको लाकर प्यार से सोफे पर बिठाना चाहिए, फिर उसे ब्रेड पकोड़े और समोसे खिलाना चाहिए, चाय भी पिलाना चाहिए, तभी तो पुलिस का डर खत्म होगा। हाँ। और उसके बाद आप पूछिए क्यों नहीं बताएंगे वो आपको प्यार से। हाँ भाई, उसके बाद हम पूछेंगे, ए भैया बताओ ना भैया क्या तुमने कत्ल किया, तो वो आगे से बड़े प्यार से कहेगा, जी हवलदार जी आप इतनी इज्जत और प्यार से पूछ रहे हैं तो हम आपको बताए देते हैं कि भैया हमने 4 मर्डरों पहले किया है और 2 बलात्कार किया है, इसलिए हमको प्यार से फांसी पर लटकाए दीजिए, बस खेल खत्म। फांसी? फांसी के लिए कौन सच बोलेगा? फांसी के लिए कौन सच बोलेगा, इसीलिए मैडम जी ये जो उंगली है ना, आए 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 आए, ये हमें टेढ़ी करनी पड़ती है मुजरिमों से सच उगलवाने के लिए, समझी कि नहीं? अल्लाह, एक और शिकायत है हमें आप पुलिस वालों से। ओके, एक तो आप मुजरिमों को पकड़ने में लापरवाही बहुत बरतते हैं, केस सॉल्व ही नहीं करते, कोई मेहनत ही नहीं करते केस सॉल्व करने के लिए, बरसों तक केस फाइलों में बंद पड़े रहते हैं। वाय 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 बहन जी, यही तो आपको पता नहीं कि वाय, अरे दुनिया में अगर सबसे फास्ट कोई पुलिस है तो वो हमारे देश की है। इट मस्ट बी अ जोक, आपको नहीं पता अमेरिका की पुलिस 24 घंटे के अंदर क्रिमिनल को पकड़ लेती है और इंग्लैंड की पुलिस 10 घंटे में क्रिमिनल को पकड़ लेती है और जर्मनी की पुलिस 1 घंटे में, सर 1 घंटे में क्रिमिनल को पकड़ के यूं ले आती है। दिस इज कॉल्ड क्विक सर्विस, यू नो। अमेरिका की पुलिस सिर्फ 24 घंटे में क्रिमिनल पकड़ती है? यस। इंग्लैंड की पुलिस 10 घंटे में पकड़ती है? यस। जर्मनी की पुलिस 1 घंटे में क्रिमिनल पकड़ती है? एब्सोल्युटली राइट। अरे मैडम जी, फिर तो साबित हो गया कि हम सबसे फास्ट है। अरे हमें तो पहले ही पता होता है कि क्राइम कहाँ होने वाला, क्राइम कौन करने वाला और क्रिमिनल कौन है, समझे? ये बताइए कड़क सिंह जी कि पुलिस हमेशा लेट ही क्यों पहुंचती है? चोर डाकू कातिल अपना काम करके शहर छोड़ के भाग जाते हैं, तब कहीं पुलिस उस क्राइम वाले स्पॉट पर पहुंचती है। देखिए बहन जी, आपने पहली दफा कोई काम का सवाल किया है। देखिए हम पुलिस वाले ये चाहते हैं कि शहर में कोई भी क्रिमिनल ना रहे। और देखिए बात सीधी सी साफ है, जरा गौर कीजिएगा, चोर ने चोरी करनी है, पेट भरना है, उसने पैसा चुराया, हम उसको मौका देते हैं, भैया निकल ले 4-5 रास्ते कहीं से निकल ले। अब कातिल जो है कत्ल करता है, हम मौका देते हैं, भाई कत्ल किया निकल ले, अंडरग्राउंड हो ले, जहां मर्जी चले जा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, शहर की सफाई होगी, जब क्रिमिनल ही शहर में नहीं रहेंगे तो क्राइम कहां से होगा। वाह वाह वाह, क्या तरीका है आपका शहर से क्राइम साफ करने का, वेरी गुड। हो गया ना शहर से साफ, हो गया ना क्राइम, इसी तरह हमारे शहर का क्राइम दूसरे शहर में शिफ्ट, और दूसरे शहर का क्राइम हमारे शहर में शिफ्ट, इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा। हमें आप लोगों से एक और शिकायत भी है। हाँ जी, वो भी फरमाइए। कि आप गरीब लोगों की रिपोर्ट तो लिखते ही नहीं। ना ना, देखिए बहन जी, हम यहाँ थोड़ा सा आपसे डिफरेंस है, देखिए गरीब आदमी की रिपोर्ट नहीं बल्कि छोटी मोटी रिपोर्ट तो हम लिखते ही नहीं, क्योंकि छोटी मोटी रिपोर्ट लिखने के लिए चाहिए कागज और कागज के लिए हमको बहुत सारे ढेर सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। पता है तो क्या बहन जी, हम ठहरे पर्यावरण प्रेमी, देखिए कागज ज्यादा वेस्ट होगा तो पेड़ ज्यादा कटेंगे, सो भाइयों और बहनों हमारे देश में पेड़ों की वैसे ही कमी है, आबो हवा जो है बहुत गंदी होती जा रही है, पेड़ होंगे तो आबो हवा साफ होगी,
इसीलिए कागज वेस्ट नहीं करेंगे तो पेड़ नहीं कटेंगे। क्या बात है, शरीफ इंसान का गला कट जाए मगर ये पेपर खराब नहीं करेंगे। जवाब नहीं आपका। अच्छा, हमारा ड्यूटी का वक्त हो गया, हम चलते हैं। हमारा भी यह प्रोग्राम खत्म करने का टाइम हो गया है। देख लो। हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। ना, हम कभी किसी के बात का बुरा मानते ही नहीं है। देखिए, पुलिस आम नागरिकों की रक्षा के लिए होती है। लोग कानून का पालन तभी करेंगे कि अगर पुलिस कोई गैर कानूनी काम ना करे। हाँ। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया आपका। तो भाइयों और बहनों, देखिए, हमसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो हम माफी चाहते हैं। वैसे पुलिस तो आपकी दोस्त है, सदा आपके साथ, आपके लिए। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।